इसी एक हफ्ते में कितनी घटनाएं होती है। एक तरफ सांसद कहता है कि 400 पार होंगे हम संविधान बदल देंगे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहा कि बांध नहीं दोगे तो हम मुकदमा दायर करके जेल में भेज देंगे। क्यों इस पर चर्चा ना हो? 10-70 साल का हिसाब लेने वाली सरकार, राम राज लाने वाली सरकार, विजय माल्या और नीरव मोदी को बोल नहीं ला पाई सरकार, आज 10 साल का रिकॉर्ड नहीं दे पा रही है। वो काला बैंड जो राम राज के राम राज तो राम राज लाए हैं, अगर राम पेपर चिन्हों पे चलने वाले राम राज तो लाए, तो विजय माल्या कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई टिकट कब लाएंगे, डीजल सस्ता कब लाएंगे, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, नौजवानों की नौकरी कब लाएंगे, किसान की आय दुगना कब लाएंगे, और चीन को चीन से मानसरोवर कब लाएंगे। राम राज में जब मानसरोवर ही नहीं आएगा तो राम राज कहां से आएगा? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ला तो रहे हैं लोग। अरे कहां ला रहे हैं, केवल जुमलों से ला रहे हैं। देखिए ये ध्यान भटकाने का नहीं है। आज संत भी दुखदायी हुआ, राम राम को राम के नाम पे व्यापार करने वाली सरकार आप इस पे है, तो राम तो सीता जी को अग्नि में डाल दिए थे परीक्षा के लिए, सीता को वनवास में भेज दिया, आज चुनावी बांड जो मिला है सार्वजनिक कर दो उसके लिए 6 महीना का। इस देश में 2 प्रकार का कानून आ गया, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई हो उसके बांड का हो या चुनावी बाहुबलियों का हो तो उसपे बैंक कहेगा हम 6 महीने के बाद प्रस्तुत करेंगे। एक गरीब का अगर वो 2 किस्त ना जमा हो गाड़ी खींच ली जाएगी, उसके घर कुर्की हो जाएगा, उसको नोटिस हो जाएगा, उसको जीना दुश्वार हो जाएगा। ये संविधान इजाजत नहीं देता, इसके पक्ष में नहीं है, और इसी को बचाने के लिए संविधान मंथन करने के लिए अखिलेश यादव जैसा महायोद्धा उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया कि मोदी जी सीधे रास्ते से नहीं जा पा रहे, कहीं इधर से जा पा रहे, कहीं उधर से जा पा रहे, क्योंकि अखिलेश यादव का विचारधारा, अखिलेश यादव ने यही लग रहा है बीजेपी घबरा गई है। घबरा नहीं गई, बौखला गई है कि अगर हम जिस दिन चले गए तो हम ऐसे जगह चले जाएंगे इतिहास में ये दर्ज होगा, हिटलर पीछे हो जाएगा, औरंगजेब पीछे हो जाएगा, जितने ताना शाह देश में आए सब लोग पीछे हो जाएंगे। अगर इनका इनका अध्याय सामने आ गया तो यहाँ गरीबों अमीरों की लड़ाई होगी, जो आप कहें इस कानून से क्या होगा, गरीबों और अमीरों की लड़ाई होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप संत हैं, आपको मुसलमानों के लिए पीड़ा क्यों हो रही है? संत हूं इसीलिए, अब पाखंडवाद में लिप्त होता तो नहीं होती, मुसलमान क्या इस देश का नहीं है मानो, क्योंकि यही कहा जाता है संत पूरे विश्व के कल्याण के लिए आराधना करता है, यही कहा जाता है क्योंकि घट घट में है साइया सुनी सहज न कोई, अब बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट हो, यही तो सनातन है। यह जो आप अंदर, अगर आप मुसलमान हो आपके अंदर जो जीव आत्मा है यही सनातन है, और इसी को शुद्ध करके परम धाम पे ले जाना यही हमारा धर्म है, इसलिए मेरे लिए मुसलमान भी प्रिय है। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, और ये भी हमें प्यारा है और वो भी हमें प्यारा है, गोकुल कांधा के भवन में हजरत का मदीना है, मजहब दोनों एक है बस बदला करीना है, नदिया एक घाट बहुतेरा कहे कबीर समझ के भेरा। और ये तो सरकार ये है कि राम नाम कड़वा लागे, अरे राम के पद चिन्हों पे चलना उनका कांटो भरा जीवन है, उन्हें राजगद्दी मिल रही थी वनवास उन्होंने स्वीकार किया, उन्हें जो सुख मिल रहा था जब आए अयोध्या में राम राज स्थापित करके जल समाधि ले लिए, राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम।